हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स में से डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट इवन होता है, और इवन क्या मतलब होता है, यानी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, तो वो नंबर डिविजिबल होता है 2 से। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन नंबर्स को देखिए, 14, 22, 36, 50 एंड 68। अब इन सभी नंबर्स के लास्ट डिजिट को देखिए, इनके लास्ट डिजिट हैं 4, 2, 6, 0, 8। और ये सारे डिजिट्स क्या हैं? ये सारे डिजिट्स इवन हैं। इसका मतलब ये सारे नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं 2 से। तो याद रखिए, किसी भी नंबर को जानने के लिए whether that number is divisible by 2 or not, we just need to check the last digit of that number. और अगर वो लास्ट डिजिट इवन है तो वो नंबर डिवाइड होगा 2 से। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 3। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं ये चेक करने के लिए हम उसके डिजिट्स को ऐड करेंगे, और वो जो सम होगा, अगर वो सम डिवाइड होता है 3 से, तो वो नंबर भी डिविजिबल है 3 से। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये है नंबर 48। अब क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? ये चेक करने के लिए हम इसके दोनों डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। हमें मिला 4 + 8 = 12। 12 सम है। अब क्या 12 डिवाइड होता है 3 से? हाँ, बिल्कुल होता है। इसका मतलब 48 भी डिवाइड होगा 3 से। इसी तरह से 63 में हम क्या चेक करेंगे? उसके डिजिट्स का सम, यानी 6 + 3 = 9। अब हम देखेंगे कि 9 3 से डिवाइड होता है या नहीं। हाँ, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब 63 भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट टू चेक whether दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। हमें सिर्फ उस नंबर के डिजिट्स को ऐड करना है और उसके सम को देखना है कि क्या वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं, हम उस नंबर के सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। अगर वो लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल हैं 4 से, तो वो नंबर भी डिवाइड होगा 4 से। समझाती हूँ कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। ये है नंबर 136। अब हमें ये बताना है कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए हम इसके लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे, वो है 36। अब 36 क्या 4 से डिवाइड होता है? हाँ, होता है। तो इसका मतलब ये नंबर 136 भी 4 से डिविजिबल है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल इज 620। अब इसे भी चेक करने के लिए हम इसके लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे, ये है 20, जो डिवाइड होता है 4 से, इसलिए ये नंबर 620 भी डिवाइड होगा 4 से। तो ये भी एक बहुत ही इजी डिविजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें सिर्फ हमें यही देखना होता है कि लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, क्या वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर होता है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। आइए अब समझते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। स्टूडेंट्स, ये डिविजिबिलिटी सबसे आसान होती है। इसमें सिर्फ यही चेक करना है कि जो गिवन नंबर है
अगर उसके लास्ट डिजिट्स 0 है या 5 है तो वो नंबर डिवाइड होगा 5 से। जैसे 140, यहाँ पे लास्ट डिजिट है 0, तो ये नंबर 140 इज डिविजिबल बाय 5। इसी तरह से 355, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 5, तो इसका मतलब ये नंबर 355 डिवाइड होता है 5 से। तो बस ये तो बहुत ही सिंपल डिविजिबिलिटी टेस्ट है। आइए अब सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। स्टूडेंट्स यहां पे अगर एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो जब भी वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो यानी एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए जब भी वो 6 से भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं 336। अब सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। मैंने क्या बताई थी 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए और 6 एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड होता है। अब ये चेक करते हैं कि 336 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हम सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे। ऐड करके हमें मिला 12। अब हम देखेंगे कि 12 3 से डिवाइड होता है या नहीं। बिल्कुल होता है, इसका मतलब ये नंबर 336 3 से भी डिवाइड हो सकता है। यानी ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं 138। अब स्टूडेंट्स ये चेक करने के लिए कि ये नंबर 6 से डिवाइड होता है नहीं, हम चेक करेंगे कि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 2 से बताइए ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं। यस, ये होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 8 है जो कि एक इवन नंबर है। तो 2 से तो हमने देख लिया। अब 3 के लिए इन सभी डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, हमें फिर से सम मिलता है 12 जो कि 3 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर 138 2 और 3 दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा, राइट? तो ये है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6, जहां पे हमें सिर्फ ये देखना है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए जब भी वो 6 से भी डिवाइड होगा। नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 7। स्टूडेंट्स ये वाली डिविजिबिलिटी थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसको ध्यान से सुनिए। क्या है ये? ये है रेस्ट ऑफ डिजिट्स माइनस 2 इंटू लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 7। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं 196। अब ये नंबर हमें बताना है कि ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 6। तो हम करेंगे 2 इंटू 6 और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स क्या है 19। 19 बचा ना इधर, तो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स 19 है, तो हम करेंगे 19 माइनस 2 इंटू 6, सो वी गेट 19 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 7, और 7 डिवाइड होता है 7 से, तो इसलिए ये नंबर 196 भी डिवाइड होगा 7 से। एक और एग्जांपल लेती हूँ 392। अब यहां पे लास्ट डिजिट है 2, तो सबसे पहले हम कर लेंगे 2 इंटू 2। अब रेस्ट ऑफ द डिजिट्स क्या है 39, तो हम करेंगे 39 माइनस 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करा, हमें मिला 35 जो डिवाइड होता है 7 से। इसका मतलब 392 भी डिवाइड होगा 7 से। तो स्टूडेंट्स ये वाली डिविजिबिलिटी के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब भी आप पता कर सकते हैं कि वो नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इस फॉर्मूले को याद रखिए। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। यानी किसी भी नंबर को ये चेक करने के लिए कि वो 8 से डिवाइड होता है या नहीं,
हम उस नंबर के लास्ट थ्री डिजिट्स को चेक करते हैं कि वो 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं। अगर वो होते हैं तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल 3064 यानी 3064। तो यहां पे हम लास्ट थ्री डिजिट्स चेक करेंगे। लास्ट थ्री डिजिट्स क्या है? 064 यानी 64, राइट? और 64 डिवाइड होता है 8 से, इसलिए नंबर 3064 भी डिवाइड होगा 8 से। एक और एग्जांपल लेती हूं, 1120। अब यहां पे लास्ट थ्री डिजिट्स क्या है? 120। अब हमें ये देखना है कि 120 डिवाइड होगा 8 से या नहीं। होता है, आप करके भी देख सकते हैं और वैसे भी आपको आई थिंक आप पता कर लेंगे कि ये होता है 8 से डिवाइड, इसलिए 1120 भी 8 से डिवाइड होगा ही होगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखी है डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड डिविजिबिलिटी बाय 8। इन सभी की डिविजिबिलिटी में एक पैटर्न है। 2 के लिए हम लास्ट डिजिट देखते हैं, 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं और 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं। तो इस पैटर्न को भी आप याद रख सकते हैं, इससे आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखने में आसानी होगी। आइए अब सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर किसी नंबर को ये चेक करना है कि वो 9 से डिवाइड होता है या नहीं, तो हम उसके डिजिट्स को ऐड करेंगे और अगर वो सम जो आया है वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा ही होगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। 108, तो इन तीनों डिजिट्स को हम ऐड कर लेते हैं, हमें मिला 9, सम है 9 और 9 9 से डिवाइड होता है, इसलिए 108 भी 9 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 189, तीनों डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, हमें सम मिला 18 और 18 9 से डिवाइड होता है, इसलिए 189 भी 9 से डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स, ये वाली डिविजिबिलिटी बिल्कुल सेम है डिविजिबिलिटी बाय 3 जैसी। उसमें भी हमने देखा था कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहां पे हम देख रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होने चाहिए, राइट? नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10। इफ द लास्ट डिजिट इज 0, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, ये वाली डिविजिबिलिटी आपको पहले से ही पता है। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होता है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होता है। जैसे कि 240, यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है तो 240 10 से डिवाइड होगा। इसी तरह से 550, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 0 है तो ये नंबर 10 से डिवाइड होगा। आइए अब सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। स्टूडेंट्स, ये वाली डिविजिबिलिटी भी थोड़ी ट्रिकी है, तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इक्वल्स टू 0 और डिविजिबल बाय 11। तो हमें ये चेक करना होता है इसमें कि जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस में है उनका सम और फिर डिजिट्स जो इवन प्लेसेस में है उनका सम, इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है अगर वो 0 मिलता है या ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड होता है तो वो नंबर डिवाइड होगा 11 से। आइए एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। ये नंबर है 616। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे कौन से डिजिट्स हैं इधर? देखिए ऑड प्लेस क्या होगा, 6 यानी ये और ये 6, फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस ऑड होगा तो इस पे डिजिट्स हैं 6 और 6। तो हम पहले इन दो डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 6। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेस कौन सी होगी, ये सेकंड प्लेस, ये इवन होगी और यहाँ पे क्या डिजिट है, 1।
तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 6 प्लस 6 होता है 12, 12 माइनस 1 इक्वल्स टू 11, और हमें पता है 11 इज डिविजिबल बाय 11, इसलिए ये नंबर 616 डिवाइड होगा 11 से। एक और एग्जांपल देखते हैं, नंबर इज 121। तो सबसे पहले हम इसके ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उन्हें ऐड कर लेंगे। कौन से डिजिट्स हैं? ये 1 और ये 1, यानी 1 प्लस 1, और इवन प्लेस पे क्या डिजिट है? 2, यानी माइनस 2, तो हमें मिला 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ 0 मिल गया है, यानी ये नंबर भी 121 भी डिविजिबल है 11 से, राइट? तो ये है डिविजिबिलिटी बाय 11। तो यहाँ पे भी आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, जब भी आप किसी भी नंबर को कि वो डिविजिबल है 11 से या नहीं ये चेक कर पाएंगे, तो इस फॉर्मूले को याद रखिए। स्टूडेंट्स, अगर आप ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इन्हें एक बारी और देखें और समझें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.3। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ये एक्सरसाइज 3.3, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस इन डिविजिबिलिटी टेस्ट पर ही बेस्ड हैं, तो आप इन्हें सॉल्व करिए। मैं इन्हें सॉल्व करूंगी एक सेपरेट वीडियो में, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। अब अपना अगला टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। सबसे पहले सीखते हैं कॉमन फैक्टर्स।